हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय सेकंड चैनल है मतलब ब्लॉग। सो गाइस, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं निकॉन डी 5200 का। सो ये वाला है कैमरा, इसको हम रिव्यू करेंगे। सो गाइस, शुरू करने से पहले मेरे चैनल को वो जो लाल वाला बटन है उसको दबा कर सब्सक्राइब कर दीजिए और सामने नोटिफिकेशन बेल वाला बेल को प्रेस कर दिए ताकि मेरा भी वीडियो आए आप सब पहुँच जाए। सो गाइस, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देख सकते हैं निकॉन का, यहाँ पे निकॉन लिखा हुआ है, निकॉन कैमरा। और ये है फ्लैश बटन, फ्रंट फ्लैश बटन दिया हुआ है यहाँ पे। और सामने देखते हैं, ये प्योर फंडर का सिस्टम है। और यहाँ पे HD कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, तो HD कार्ड लगाते हैं यहाँ पे। HD कार्ड लग गया है। और यहाँ पे बैटरी का ऑप्शन, चलो बैटरी भी लगा लेते हैं। ऊपर की तरफ देखते हैं, यहाँ ऑन ऑफ का लीवर दिया हुआ है, ये वाला ऑन ऑफ का लीवर है। और ये रिकॉर्डिंग का लीवर है, ये इस बजर बटन है, और ये इन्फो बटन है, और ये फोकस फोकस बटन है। और इधर देखें तो यहाँ पे फोकस लाइट है, ये फोकस करता है। देखें तो इधर ये आपका बेल्ट लगाने वाला ऑप्शन है, और इधर में ये मोड वाला रोटेट होता है, ये ऑटो मोड, फ्लैश मोड, स्कैन मोड सारा यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे रिकॉर्डिंग माइक का ऑप्शन, और इधर में है स्पीकर का, स्पीकर का ऑप्शन है। और उल्टा तरह ये ट्राइपॉड लगाने वाला ऑप्शन है, और यहाँ निकॉन का टैग लगा हुआ है। और यह आई बटन है, और ये ऑटो फोकस लॉक का बटन है, और ये शटर स्पीड ISO इसको कंट्रोल करने के लिए रोटेट दिया हुआ है। और यहाँ पे मेनू बटन है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये माइक का ऑप्शन दिया हुआ है। और ये तो फिलहाल इसमें वायरलेस सिस्टम दिया नहीं है, तो यहाँ पे USB यूज़ कर सकते हैं। और ये आपका वाईफाई का कनेक्शन कर सकते हो। चलो और आगे की तरफ देखते हैं, ये आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है शटर स्पीड, इसको दबा के आप डाउन कर सकते हैं। ये वाला लेंस इन आउट करने के लिए इसको दबा के करना पड़ता है। और ये कैमरा है D5200 का, यहाँ पे निकॉन का लिखा हुआ है, निकॉन लिखा हुआ है, देख रहे हैं। चलो फिर इसका अंदर की तरफ जाते हैं। ये रोटेबल स्क्रीन है, ये 90 डिग्री या जो बोल सकते हैं,
थोड़ा रोटेट होता है ऐसा। चलो इसको ऑन करके देखते हैं थोड़ा। बिफोर टेकिंग फोटो रोटेट द जूम राइट टू एक्सटेंड द लेंस। हम इसको ये वाला ऑप्शन है ना, इसको दबा के ऑन करते हैं तो ये ऐसा होता है। तो फिर ये हट जाएगा। तो हम इसका ये वाला निकाल लेते हैं, इसको ऐसे दबा के निकाला जाता है। चलो फिर स्किन देखते हैं। काफी बढ़िया फोकस कर लिया है देखो। तो ये वाला व्यू का बटन है, हम फोटो यहाँ से देख सकते हैं ये वाला। और ये जूम इन जूम आउट का बटन दिया हुआ है, इसका जूम करके देखते हैं। काफ़ी अच्छा फोटो आया है, आप देख सकते हैं काफ़ी क्लियरली दिया है। और ये दिया हुआ है डिलीट का बटन, डिलीट का यहाँ पे डबल क्लिक करने से डिलीट हो जाता है। काफ़ी सारा फ़ोटो खींच के रखा था मैंने, ये वाला देखिए कितना अच्छा आया है। और ये फोटो काफी अच्छा फोटो आया है। काफ़ी अच्छा फोटो आता है इसमें, देख सकते हैं। और एक खींच के देखते हैं। काफ़ी अच्छा फोटो आता है, 24 मेगापिक्सल का कैमरा है। काफ़ी अच्छा है ये बिगिनर के लिए, जो नया नया सीख रहा है कैमरा उसके लिए अच्छा है ये कैमरा। आप ले सकते हैं, परचेस कर सकते हो। ब्लर भी काफ़ी अच्छा आता है देखिए। काफ़ी अच्छा बुला रहा है, देख सकते हैं आप। तो यही था हमारा निकॉन कैमरा का रिव्यू। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो आएगा इस कैमरा का सेटिंग्स के बारे में। वीडियो अच्छे लगे तो सपोर्ट करना, और वो जो लाल वाला बटन है नीचे उसमें आप लात मारो, घुसा मारो या हथौड़ा मारो, जैसे भी हो क्लिक हो जाना चाहिए और सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।